मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया जो एनसीपी के महाराष्ट्र सचिव संतोष धुवाली के नेतृत्व में संपन्न हुआ और इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया एनसीपी के वार्ड अध्यक्ष यूसुफ सैयद ने। वैसे तो एनसीपी के वार्ड अध्यक्ष यूसुफ सैयद इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार थे, लेकिन इसके साथ ही एनसीपी कार्यकर्ताओं में प्रमोद सोलंकी, राजेश सावले, नितिन प्रधान और जितेंद्र ने मिलकर मेडिकल कैंप में आने वाले लोगों का जोरदार स्वागत किया। गौर करने वाली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर मेडिकल ट्रीटमेंट का जो काम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं किया करती हैं, वही काम बड़े ही जोश खरोश के साथ स्थानीय एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कर दिखाया। इसके साथ ही ये मेडिकल कैंप जिस इलाके में आयोजित किया गया वहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहा करते हैं। कार्यक्रम के आयोजक यूसुफ सैयद का कहना है कि इस इलाके के स्थानीय नगर सेवक और विधायक को किसी के स्वास्थ्य से कोई सरोकार नहीं है। हमारे एरिया में अल्पसंख्या लोग रहते हैं, माइनॉरिटी ज़्यादा है और आबादी भी ज़्यादा है। ये इतनी ज़्यादा आबादी होने के कारण क्या इधर कोई देखता नहीं है। जैसे हमारे कांग्रेस के जीती हुई इधर की काउंसलर है वो कभी आई नहीं देखने के लिए। हमारे बीजेपी के एमपी एमएलए अपने शिवसेना के उन लोगों से कुछ काम होता नहीं है, कुछ करते नहीं है। हम लोगों को इतनी तरीके से दूर रखा हुआ है। हॉस्पिटलों में लाइन पे लाइन है, हर जगह प्रॉब्लम है। इस वजह से हमने ये कैंप लगाया है और आप देख सकते हो जिस तरीके से हमने ये कैंप लगाया है ये सिर्फ मदद करने के लिए एरिया वाले लोगों के लिए, और आगे भी हम इस कैंप को जारी रखेंगे हर 15-15 दिन में। अब राष्ट्रवादी पार्टी ने ये चीज़ें शुरू कर दी और शरद पवार साहब ने 4 दिन पहले ये चीज़ भी कहा था कि जो अल्पसंख्या लोग हैं यानी कि जो माइनॉरिटी वाले हैं उन लोगों को देखा नहीं जा रहा है हमारी जो शिवसेना और बीजेपी की सरकार में। तो हमें सिर्फ यही करना है, बस लोगों के घर घर जाकर काम करना है और काम करके ये दिखाना है। हमारे शरद पवार साहब, सचिन बाबा अय्यर और हमारे संतोष दादा के आशीर्वाद से, अल्लाह की मदद से और थोड़ी हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से हमने ये प्रोग्राम किया, इतना बड़ा आयोजन किया है और अच्छा रिस्पॉन्स है, मिल भी रहा है, कर भी रहे हैं। यूसुफ सैयद ने बीजेपी और शिवसेना को अपना निशाना बनाया तो वहीं दूसरी ओर बांद्रा तालुका में स्थित वार्ड 87 के अध्यक्ष अकबर गफ्फार ने कांग्रेस पर हमला बोला। एनसीपी वार्ड अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी शिवसेना की सरकार सिर्फ 3 साल की मेहमान है और एनसीपी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में एक नंबर की पार्टी बनकर उभरेगी। कांग्रेस साथ आए या न आए, कांग्रेस जाएगी 2 नंबर पर और 3 महीने बाद हम शिवसेना बीजेपी तो क्या कांग्रेस को भी ये दिखाएंगे कि मुंबई महानगर पालिका पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा किस प्रकार लहराता है। ये कहना है अकबर गफ्फार का। इस तालुके को हमेशा से बांद्रापुर कहा जाता है, पहले इसे खेलवाड़ी के नाम से जाना जाता है। आज से 10 साल पहले ये कांग्रेस एनसीपी का ही घर था, पर कुछ सालों से यहाँ पर अभी भाजपा शिवसेना की सरकार आई है। जब से वो सरकार आई है हम ये देख रहे हैं कि इस इलाके में वार्ड चाहे 91 हो, 87 हो, 81 हो, कोई भी इलाके में काम नहीं हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता है जो एनसीपी के पुराने ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम लेते हैं और लोगों को उजागर करते हैं, लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। इससे पहले भी हमने कई एक प्रोग्राम लिए थे, उसके बाद ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारे वार्ड अध्यक्ष यूसुफ भाई साहब ने लिए है जिसमें बाईपास सर्जरी, हार्ट सर्जरी, एंजियोग्राफी, प्लास्टिक सर्जरी जैसे हॉस्पिटलाइजेशन के काम हो रहे हैं जो कि अच्छे अच्छे यहाँ के आमदार खासदार ने भी इस तरीके के प्रोग्राम नहीं दिए। अगर हम देखा जाए तो हम अगर चुनाव को नज़र रखते हैं तो पिछले चुनाव में हमेशा से हमने देखा है जब भी कांग्रेस एनसीपी का यहाँ गठबंधन हुआ है वार्ड 87 में, वार्ड 90 में, वार्ड 91 में, तो हमारी एनसीपी यहाँ सेकंड नंबर पर रही है। विदाउट गठबंधन भी एनसीपी सेकंड नंबर पर रही है। तो कुछ दिन ये भाजपा सेना की सरकार आई है, आने वाले 30 साल बाद और इस महानगर चुनाव के 3 महीने ही बाकी है, आप फिर देखोगे कि राष्ट्रवादी पुनः राष्ट्रवादी का ही झंडा लहराएगा। फिलहाल आने वाला मुंबई महानगर पालिका चुनावी परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन औरंगाबाद और धुलिया के नगर परिषद में हुए गत चुनावी परिणामों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एनसीपी अपने अस्तित्व को शीर्ष तक ले जाने में जरूर कामयाब होगी। बहरहाल एनसीपी कोई भी दावा क्यों ना करे, लेकिन होगा तो वही जिसे आम जनता चाहेगी। विभांशु त्रिपाठी, इन 24 न्यूज, मुंबई।